वेलकम, वी आर ऑल आवर वे इन ट्रैफिक इज ऑलवेज गोइंग टू द अदर एंड ऑफ टाउन। हमेशा सोचता हूँ उसको लोअर परेल क्यों बोलते हैं, पहले सिर्फ परेल हुआ करता था। पहले से लोअर परेल हुआ करता था, पहला ये सेंट्रल लाइन का परेल है। परेल है तो लोअर परेल, वेस्टर्न साइड का लोअर परेल स्टेशन है क्या? हाँ। लोअर तो उसको हायर परेल क्यों नहीं बोलते? परेल और हायर परेल भी बोल सकते थे, लेकिन परेल और लोअर परेल जो इस तरफ इसे लोअर परेल बोलते हैं। इंटरेस्टिंग, गोइंग बाय कार टुवर्ड दैट साइड इज डेंजरस आइडिया। लास्ट टाइम लास्ट वीक पे गया था, इट टुक मी लाइक 2.5 आवर्स, अढ़ाई घंटा टू गेस कम बैक फॉर परेड। लॉन्ग टाइम भाई, लंबा चल गया। Sounds good, बताओ। I think I had a wonderful day in the morning. After a long time, I read the newspaper end to end. मतलब चाय पीते पूते पूरा कुछ भी नहीं छोड़ा। BJP के funds कैसे 6 गुना ज़्यादा है compared to the other parties combined। वहाँ से लेके मतलब इसका नाम क्या हो, किम जोंग उन ने, नॉर्थ कोरिया वाले ने US को कैसे अपने टॉक में रिकॉग्नाइज किया बात करने के लिए, वहाँ से सब कुछ पढ़ लिया। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं पढ़ा। अजीब अजीब चीज़ें, ये भी पढ़ा कि यू नो द ओल्डेस्ट मैन नाउ इन द वर्ल्ड इज इन जापान। पता है आपको? 113 years old। इमेजिन, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसका रिलेटिविटी का कुछ जो थ्योरी वेरी किया था तभी वो उसका जन्म हुआ था। इमेजिन, मतलब 1905 का आदमी है। एक अमेजिंग, इट्स लाइक आई डोंट इवन नो इज देयर एन इंडियन पर्सन हु इज एवर इन दैट एज। आपको लगता है 100 साल के ऊपर कोई एंटरप्रेन्योर है क्या 100 साल का? कि नहीं होना चाहिए एक्चुअली। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट फ्रीडम, लेकिन पता नहीं। आई डाउट यू नो, आई हैड एज आई वाज ईटिंग माय लंच टुडे, आई हैड अ मैंगो फॉर लंच। मैंगो भी मतलब आम खाया मैंने। आम खाते वक्त एक रियलाइजेशन था कि एंड इट इज, अगर आपने आम खाया, ऑल ऑफ यू हैव ऑब्वियसली ईटन मैंगोज, बट एन ओवर राइप मैंगो अगर ज़्यादा पका हुआ होता है ना तो आम में कोई टेस्ट ही नहीं होती। देखा आपने? मतलब आम है लेकिन ओवर राइप्ड है, तो मतलब अगर टाइम निकल गया तो प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं। इसी भी समटाइम्स आई रियलाइज इन बिजनेस एज वेल दिस हैपेंस, समटाइम्स यू आर वर्किंग एन एन आइडिया, वर्किंग ऑन थिंग, इसका टाइम निकल गया है भाई। टाइम निकल गया तो उससे कैसा पैसा कमाओगे? पॉइंट इज, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऑल ऑफ अस समटाइम्स यू आर नॉट री इन्वेंटिंग योर सेल्फ एट ऑल, एंड इसका कोई कनेक्शन नहीं है आपसे, बट आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट, बिकॉज ओवर राइप फ्रूट गिव मी आइडिया ऑफ ओवर राइप बिजनेस एट टाइम्स, ओवर राइप बिजनेस आइडिया। इतना ओवर राइप है कि भाई कोई नहीं, यू गॉट टू फाइंड अ न्यू फ्रूट, यू गॉट टू फाइंड अ न्यू वे टू kind of make it happen. एक तो होता है कि पेशेंस चाहिए, मतलब हाँ भाई आपने इनफ किया है, उसके बाद आपने बताया कि नहीं चल रहा है, चेंज इट मैन, मूव, यू आर एन एंटरप्रेनर। आपने किसी ने मतलब यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, सो डू समथिंग डिफरेंट टू मेक रेवेन्यू। भाई जेब में पैसा चाहिए एंड में, अगर एंटरप्रेनर हो तो। आइडिया इज डजंट मीन यू डू रैंडम स्टफ, बट यू नो डोंट गेट स्टक एंड इन लव विद थिंग्स दैट यू डू, स्पेशली इन योर बिजनेस। यू गॉट टू, इफ इट्स नॉट वर्किंग चेंज इट। एंड दिस इज आई कॉल इट द आइकॉनिक जंक्शन। This is the one which takes on the Eastern Express Highway going towards Powai. I mean, massive traffic. This is an area which goes towards your, you know, whatever, the tech places, and massive traffic in the morning. I mean, I've traveled this road so often. From my first 10 years of my life, when I was working, I realized, you know, I'm never going to come this side of the road, ever in my life in the morning. And that's the power of entrepreneurship. The freedom to not come on this road in the morning at 9 a.m. is heaven. मतलब थक जाता था ड्राइव कर करके, आधे ऑफिस पहुंचते तुम्हारे 3 घंटे निकल गए। तो यू नो हमने मैकेनिज्म अलग किया था, काफ़ी लोग करते थे। मैं सवेरे 6:30 बजे निकलता था ऑफिस जाने के लिए, बोला यार 7 बजे चालू कर दूँ काम, सवेरे जाने में आधा घंटा, यू सेव टाइम एंड देन यू लीव अर्ली। बट इट वॉज क्रेजी, यू टू वेक अप एट 4:30, 5 टू डू ऑल ऑफ द स्टफ। बट एंटरप्रेन्योरशिप टुडे मेक्स यू लिटिल बिट मोर इनडिसिप्लिन्ड, इट्स ओके, बट गिव्स यू दैट फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट टू डू। This is where Godrej is headquartered. So, agar if you're outside Mumbai and you want to notice this, please look. This is where the entire Godrej complex is, their factories, and this is one of their setups. This is where they started from. This is Vikhroli. Fantastic company. But you know, Godrej se mujhe yaad hai, the humor side of it. You know, my father's side of family comes from Nepal, and our family there. I remember having visited. I was shocked. This was like about 20 years back when I was there, when I 15 years back maybe. 20 years, I don't remember, but around that time I remember clearly that I remember the name of a company on that board. It used to be called Godrej. Then copy bhi karte ho, kitna copy karte ho? Godrej ka ji nikal ke wahan p dal diya tha. So I'm not sure if there is why would somebody do that, but they were trying to obviously leverage on the existing brand that Godrej had. But Godrej, kya hota? Saw the hoarding on the top. No, I need a hoarding to be there.
But when you see these holdings, right, I'm wondering, obviously, a lot of tech change is coming through. I forget the name of that company, which is, I was reading about it in Los Angeles, which has sold it, it got bought by, ek hi cheez kar di hai, holdings, unke hai, they have rights to holdings in XYZ number of cities and stuff. They just sold for $300 million. Because unke paas holding space hai, somebody else bought them out completely. And obviously they're going to go, the entire stuff is going to turn out to be digital now. So I've not seen too many digital holdings in Mumbai. Aapne dekha hai? Hai, thode bahut to, but like completely digital. So the technology is there, obviously there. I'm not sure why it's not coming through, but seeing a static imagery every day seems ridiculous. And also obviously since you're driving, the power of a holding on a highway with too much information is irrelevant. Honestly, unless there is a, you know for sure ki is jagah par mulu check na ga hai, traffic jam 525% hone wala hai, hey, then you put a holding which has got data. Otherwise, what's the logic of having a holding with so much information where traffic is going by? Driving, and everybody honks here, right? I have unnecessarily people honk because Mumbai mein drive karte ho, honking has become part of our culture. To gaadi ke piche kabhi kabhi dikha rehta hai, dekha dekha aapne, horn okay please kya bhai, jab horn nahi bajana hai to horn okay please kya, ye gaadi mein kal highway mein soch hi raha tha aur soch raha tha bhai horn not okay please hona chahiye, and jaise nazar ghumaya ek taxi ke piche horn not okay please tha. Point I'm trying to say is whatever you expect to see, you see. आपको जो दिखना है आपको दिखेगा. आपने ये, मैंने ये जस्ट बोला और इमीडिएटली, और मैंने कल फोटो भी निकाला था वाइल ड्राइविंग ऑन द हाईवे, यार ये क्या इंसिडेंट है. सो द पॉइंट इज यू एक्सपेक्ट, व्हाटएवर यू एक्सपेक्ट टू सी यू विल सी. आ गए भाई, पहुंच गए इंडिया बुल्स, डेलॉयट, ऑल द बिग टावर्स. दिस इज द फाइनेंशियल हब ऑफ मुंबई नाउ. ऑल द फाइनेंशियल, द मोतीलाल ओसवाल, द डेलॉयट, द इंडिया बुल्स, एवरीबॉडी इज गॉट ऑफिसेस अराउंड हियर. समटाइम्स एक्सेसिव फ्रीडम इज नॉट गुड. Right, this is exactly the situation. They've done it intentionally, and I think it's a good intention to discipline all of us to put this thing in here. I'm not seeing my own thing. Okay, okay. Hey, you cannot track which floor the lift is on, na? Oh, pata nahi chal raha hai kaun se floor pe hai. Awaaz hi aa raha hai sir. Gareeb hai. Schindler hai bhai. Time to go back. I think very very nice complex. I liked it. Different story ki pure complex mein kahin board hi nahi, pata nahi building ka naam kya hai niche. Hai na, likha hua tha. Niche tha? Niche nahi tha. Niche ki baat hai na, andar aane ke liye nahi tha. But this is good. Was good. Anyway, I think very very nice meeting, productive one. I am very sure it will convert with time. So let's look at it. And ideally, want to pick this client up after I'm back maybe. Since I'm anyway traveling to the US right now for over 45 days, picking up a new client is something, even at our level, at this stage in our business where we are, I would personally like to be there right now when I'm picking up a new client to really build that relationship. Anyway, sounds good. Chalo nikle, back to this crazy world of driving through Parel. But I think I'm lucky hai isliye traffic nahi hai. Bhai saab, on maar raha hu. कि चुटकुला याद आया है उसके ऊपर से, सिंस यू आर टॉकिंग, आपने जोक मारा जो मुझे समझ में नहीं आया. संटा सिंह और बंटा, संटा और बंटा का अपना जोक है. संटा है डॉक्टर संटा है, जनरल सर्जन है डॉक्टर संटा, और अपना बंटा बेचारा पेशेंट है, लेटा हुआ है टेबल पे, ऑपरेशन टेबल पे, और बंटा लेटा हुआ है सामने फूलों की माला देखता है. डॉक्टर संटा ने फूलों की माला रखी है दूर लंबे वहाँ पर. बंटा बड़ा परेशान बोलता है, यार ये डॉक्टर ने ये सब स्टेथोस्कोप चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, ये फूलों की माला क्या है. डॉक्टर से पूछता है संटा से, डॉक्टर संटा ये सब ठीक है भाई, ये फूलों की माला किस लिए. तो बेटा बात ऐसी है कि ये मेरी पहली सर्जरी है, अगर सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो तेरे लिए. समटाइम्स आई रियलाइज की कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा, धंधे से कॉन्टेक्स्ट लगा रहा हूँ मैं, बट ऐसे ही एंटरप्रेन्योर भी कभी कभी, मतलब इसमें बात ऐसी हो गई उसकी कि heads I win, tails you lose वाली चक्कर है, ये देखो.
चित भी मैं जीता पट भी पट तुम्हारे चित में जीता वाला चक्कर. समटाइम्स आई थिंक इट इज इफ यू कैन फाइंड सच ऑप्शंस टू वर्क एंटरप्रेन्योरशिप वुड बी ब्यूटीफुल. मतलब अपने को तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन अगर ऐसे ऑप्शंस मिले तो भाई वाह, बहुत मुश्किल है बिजनेस में ऐसा ऑप्शन मिलना. बैक टू ड्रॉपिंग आर कैमरामैन नितिन MBB बैक टू हिज जर्नी, हिज चैलेंजिंग जर्नी फ्रॉम ठाणे टू उल्लासनगर इन द ट्रेन. So Nitin has been exactly right and nice in terms of doing this, so really appreciate this. But Nitin is going back. I would also urge you once more, do take a look at his vlog. It's called what? Your channel is called Nitin? MBB. Nitin MBB. Aadmi pagal hai, he drives usko bike chalane mein masti hai. So that's where the channel is. But yeah, I think we're done for the day almost. Thank you so much for watching. Next week is going to be a little different. I am traveling. I will be doing it from the US though. So I look forward. I'm excited to go there. And I look forward for doing a couple of vlogs right in Los Angeles, Santa Clara, Grand Canyon, Las Vegas, New York, Washington. So, and of course Orlando, Disneyland. It's going to be really, really fun. So keep watching, keep waiting for us. And do subscribe to this. So look forward to seeing you next time. Thank you.